गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल क्विक रेसिपी विद प्रीति। आज हम बनाने जा रहे हैं बेसन चीला। बेसन चीला बनाने के लिए सबसे पहले हम ले लेते हैं ये 100 ग्राम बेसन। ये इस एक मिक्सी जार ले लेती हूँ, इसमें डाल देते हैं ये। इससे क्या है, हमें बहुत आसानी रहेगी और बहुत जल्दी बन जाएगा इससे। अब मैं इसमें ले लेती हूँ 25 ग्राम सूजी, मतलब जितना बेसन है उसका चौथाई भाग सूजी का लेना है। अब हमने जिस कटोरी से सूजी बेसन लिया था उसी से नाप के हमें एक कटोरी इसमें पानी डालना है पूरा। ये देखिए एक कटोरी पानी है, ये मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। और अब मैं इसका एक पेस्ट बना लेती हूँ। देखिए हमारा पेस्ट इस तरह का बन गया है। अब हम इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र कर देते हैं और इसे हम 5 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। देखिए हमारा बैटर इस तरह का हो गया है क्योंकि इसे रखे हुए 5 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसमें मिला लेती हूँ 1/2 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच हल्दी। बस इसमें और कुछ ऐड नहीं करना है इन दोनों चीज़ों के अलावा। अब ये अच्छे से मिला लेते हैं। अब हम चीले पे ऊपर से डालने के लिए एक मसाला बना लेते हैं। उसके लिए ये मैं 1/2 चम्मच से कम मिर्ची, सफ़ेद नमक जो हम लोग रेगुलर खाते हैं वही, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ी हींग। हींग से क्या है, पेट का हाजमा भी अच्छा रहता है और चीले का स्वाद भी बहुत अच्छा होता है। और थोड़ा सा 1/2 चम्मच चाट मसाला, इन सबको इस तरह से मिक्स करके बस ये एक हमारा थोड़ा सा मसाला, इससे क्या है टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अब हम 1 चम्मच भर के इस पे बैटर डाल लेते हैं और जिस तरह से हम डोसा फैलाते हैं ना उसी तरह से इसको हल्के हाथ से इस तरह से फैलाना। और इसकी जो गैस है ना वो तेज रखनी है हमें, क्योंकि इसमें सूजी पड़ी हुई है ना तो तेज गैस पे अच्छा करारा बनेगा। ये इस तरह से करना है पूरा। अब इसकी आंच जो है तेज रखनी है और सब तरफ इस तरह से करते हुए जिससे पूरा हमारा अच्छे से सिक जाए, चारों तरफ गैस का आना चाहिए जिससे अच्छे से सिके। अब हम इस पे 1 चम्मच ऑयल इस तरह से लगा लेते हैं जिससे कि हमारा जो चीला है वो अच्छे से करारा होके सिक जाए इस तरह से। और इसकी जो गैस है वो फ्लेम हाई रहना है। अब हम इस पे कुछ सब्जियां डाल लेते हैं, जैसे मैंने ये थोड़ी सी गाजर, क्योंकि जब मुंह में आती है ना तो क्रंची अच्छा लगता है, इनको ना बॉईल करा, कच्ची गाजर है बारीक कटी हुई, थोड़ी सी शिमला मिर्च बारीक कटी हुई इस तरह से, थोड़ा सा प्याज, थोड़ा पनीर, हरा धनिया, थोड़ी हरी मिर्च। और ये जो मैंने मसाला मिलाया बनाया था ना ये वाला, अब ये थोड़ा सा ये इस तरह से, इससे क्या है इसका आप जब इस तरह से बनाएंगे ना तो आप खा के देखना आपको टेस्ट। ये देखिए हमारा चीला कितना अच्छा करारा हुआ, ये देखिए कितना अच्छे से बिल्कुल। अब इसको हम इस तरह से फोल्ड कर लेते हैं, ये देखिए बिल्कुल कितना अच्छा करारा हुआ है। बेसन का चीला बन के तैयार है। आप एक बार मेरी तरीके से बनाकर देखें, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।